होता है ये पेशेंट लोगों को खिलाया जाता है, विशेष करके ये खाने पे मतलब किसी तरह का पेट का जो है प्रॉब्लम नहीं करता। और साथ में आप देख सकते हैं कि लेग का भी जो है ये पूरा लाइन लगा हुआ है, इतना सारा लेग भी जो है ऑर्डर में भी है। और ये जो है फुल चिकन को रोस्ट किया है। इनका जो मटन चाप है बनने के बाद कभी भी इसके अंदर पीस आपको दिखेगा ही नहीं, इतना मैरिनेट वो कायदे से करते हैं एंड अनडाउटेबली इज द बेस्ट। सबसे पहले तो ये प्रॉन देखिए कहाँ मिलता था, मतलब इस तरह से सड़क पर अच्छे क्वालिटी का प्रॉन, दिल से बनाया हुआ प्रॉन, डीप फ्राई किया हुआ प्रॉन कहाँ मिलता था? क्योंकि बिहार के लोगों का एक फोबिया है कि फिश का मतलब है कि उसमें काटा, और काटा खाने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे रेहू और कतला के अलावा बाकी लोगों को मतलब पसंद नहीं आता है या नहीं खा पाते हैं। तो मैं उनको ये डर निकालना चाहता हूँ और सारी चीजें खिलाना चाहता हूँ। मतलब कौन सा झींगा का बड़ा वाला? बड़ा वाला झींगा, बड़ा वाला झींगा। वो क्या टाइगर प्रॉन? वो चीज नहीं मिल पाया, हम इनको ऑर्डर किए हुए थे, ऑर्डर करके बोल के कहते कि रख देने के लिए आपके लिए। मैंने तैयार रखा था, आप नहीं आए। तो शाम का वक्त है, कुछ मन कर रहा था स्नैक्स वगैरह खाने का, बट वो नहीं, मतलब वो समोसा कचौड़ी वो सब नहीं, कुछ अलग नॉनवेज वाला स्नैक और किसी अलग जगह, किसी नए जगह पर जाके खाने का ये भी मन हो रहा था। तो आज आए हैं, खुद भी खाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे एक नए जगह का नॉनवेज स्नैक्स। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल हम लोग हैं पटना सिटी जाने के रास्ते में, बाईपास से आप पटना सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो ये कुछ गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ कहते हैं, बेगमपुर, जैसा कि अगल बगल के लोग बताएं कि बेगमपुर से इस एरिया को कहते हैं। जस्ट बगल में एक शॉप है, तो इस शॉप का हम एग्जैक्ट लोकेशन गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस लिंक से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ब्रांड न्यू सा जगह, कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ और इनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि कभी खोलते थे कभी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, मतलब एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक रेगुलरिटी नहीं है, कभी भी खुला हो सकता है कभी भी बंद हो सकता है। तो हम लोग दो तीन बार पहले भी आ चुके हैं कि शूट करें, बट होने पर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, एग्जैक्ट लोकेशन डाल देंगे, आप बात करके ही यहाँ पहुँचिएगा। बट जो चीज़ मिलता है वो बहुत यूनिक है। बात हम खुद नहीं करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो, जो यहाँ के ओनर है उनसे बात करते हैं और वो खुद इस जगह के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। ये जो है ये शॉप के बाहर का लुक, ये आप देख सकते हैं, नाम है गाम्या और कुछ टैगलाइन है हेवनली डेस्टिनेशन फॉर फूडीज, और जिन्हें भी गाम्या का मतलब नहीं पता, एक तरह का संस्कृत वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, तो उसी के बेसिस पे ये नाम रखा गया है। लोकेशन आपको बता चुके हैं, ये जो सीधा रोड है ये चला जाता है सीधे वो गुरुद्वारा की ओर, वहाँ तक नहीं जाना है, एग्जैक्ट लोकेशन हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में जिससे कि आप इजीली यहाँ पहुँच सकें। ये हमारा चिकन पकौड़ा का ये है, मैरिनेशन किया हुआ है। अच्छा। हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो मैरिनेटेड है, कोई भी हाफ डन नहीं है, ठीक है, सब कुछ को मतलब मैरिनेट करके रखते हैं, यहाँ पे फुल डन करके देते हैं। नेक्स्ट ये हो गया फिश, ये हमारा फिश है, ये रेहू फिश है, और यहाँ के लोग थोड़ा सा छोटा मछली खाना पसंद करते हैं लेकिन उनको घर में बनाना बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं उनको प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे आज हमारा स्पेशल है बाटा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बाटा फिश। बाटा फिश, ठीक है। अच्छा, रेट वगैरह क्या होता है इसका? लगभग ये जो है वो 30 रुपीस एच के हिसाब से, पीस के हिसाब से। मतलब ये जो इसका हेड वाला पोर्शन ये भी लेंगे तो 30 रुपए का। मेन हम लोगों को यहाँ पे फिश खिलाना चाहते हैं क्योंकि बिहार के लोगों का एक फोबिया है कि फिश का मतलब है कि उसमें काटा, और काटा खाने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे रेहू और कतला के अलावा बाकी लोगों को मतलब पसंद नहीं आता है या नहीं खा पाते हैं, तो मैं उनको ये डर निकालना चाहता हूँ और सारी चीजें खिलाना चाहता हूँ। हम लोग भी उसी कैटेगरी में थे, इसके आप बताए ना, हम लोग भी सेम वही है, फिर अवॉइड करते हैं कि कौन काटा वाटा निकाले। नेक्स्ट जो है ये आ गया चिकन, चिकन को भी मैरिनेट करके रखा गया। चिकन का हमने वो लेग पीस है आपका, फुल चिकन को भी रोस्ट करते हैं। अच्छा, फुल चिकन भी है उसमें? राइट, फुल। ये सबसे अच्छा लगा और यूनिक चीज लगा कि स्ट्रीट फूड होते हुए सारी चीजें मेरा जो है वो पैक रहता है। ये आपका फुल चिकन जो है आपका रोस्ट, अच्छा ठीक है, आप इसको पूरा का पूरा चिकन। क्या रेट होता है इसका? ये 350 का रेट है पूरा, फुल चिकन, फुल चिकन का। राइट, तो ये और एक इंटरेस्टिंग सा चीज लगा, इस तरह से सड़क पर फुल चिकन आप आके खा सकते हैं 350 रुपए में, और 1 किलो के आसपास रहता होगा साइज। हाँ, ये 1.25 किलो के आसपास का एक पीस होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका, और ये अगर लेग ले तो क्या रेट है? मतलब नॉर्मल लेग मैं 60 रुपीज़ यहाँ पे लेता हूँ पर पीस। पर पीस हमारा यहाँ पे लोगों का बहुत पसंदीदा चीज है प्रॉन, ठीक है, जिसका मैंने हेड वगैरह सारा निकाला हुआ है। अच्छा, सिर्फ एकदम पूरी साफ किया हुआ है ये सारा चीज, ठीक है। और इसका क्या रेट होता है? ये प्लेट के हिसाब से होता है, ये 100 रुपए का प्लेट है। जैसे आज ये आप साइज देख रहे हैं, ये साइज जो है हमारा 12 से 15 पीस एक प्लेट में आता है। अच्छा, ठीक है, अगर ये बड़ा मिलता है, जैसे कि
अवेलेबिलिटी के ऊपर, जैसा मिला उसी हिसाब से रेट थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। तो मैक्सिमम मैं 15 से 17 पीस खिलाता हूँ और मिनिमम जो है वो 5 पीस आता है। अच्छा ठीक है, एक प्लेट में। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अलग लगा ये पटना के लिए, बहुत अलग सा चीज़ लगा। इतना ज़्यादा हाइजेनिक तरीके से काम हो रहा है, प्लस डिश भी कुछ कुछ यूनिक यूनिक मिल रहा है। और ये कबाब वगैरह का भी इधर आ रहे हैं। हाँ हाँ, उधर कबाब वगैरह का भी सारा, मतलब कबाब भी बनता है, प्लस यहाँ जो है ये आपका डीप फ्राई वाला सेटअप है। पकौड़ा वगैरह जो है, ये प्रॉन वगैरह जो है, मैं इसी पे। अच्छा, इसमें डीप फ्राई होता है। डीप फ्राई होता है, राइट। सारा मतलब सेटअप इसी के अंदर है जी। हाँ सारा। और ये इसमें क्या बनता है? ये फिश का तवा फ्राई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज हमारा एक स्पेशल आइटम जो मटन का मेरा ये है, वो आज एब्सेंट है ड्यू टू, पीछे देख रहे वर्क चल रहा है तो समय की कमी के वजह से। मटन भी मिलता है यहाँ पे? हाँ, मटन का जो चाप ग्रेल बोलते हैं यहाँ पे, पटना सिटी में लोग ग्रेल बोलते हैं, वो बहुत फेमस है लोगों के यहाँ पे, वो भी मिलता है। वो भी मैं बना, वो तवा पे बनता है, वो तवा पे बनता है। मतलब एक छोटे से कार्ट के अंदर सारा व्यवस्था है। डीप फ्राई भी होगा उधर जो है, कोयला का भी सेटअप है, ये पैन भी हो गया, तवा भी होगा, सब कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले जो है फिश बनवाते हैं, ये गया पैन में सरसों तेल, सरसों तेल में ही बनाया जाता है। और सरसों तेल भी मेरे पास स्पेशलिटी ये है कि मैं इंजन के अलावा कुछ यूज़ नहीं करता। अच्छा ठीक है। इधर हम लोग एक ये जो फिश हेड है वो बनवाएंगे, और एक जो आज का स्पेशल था वो बाटा फिश था वो बनवाएंगे। ये गया सबसे पहले जो मछली का मूड़ा था वो, और अब ये क्या नाम बताया था, बाटा फिश। बाटा, इसका क्या स्पेशलिटी होता है? ये पेशेंट लोगों को खिलाया जाता है, विशेष करके ये खाने पे मतलब किसी तरह का पेट का जो है प्रॉब्लम नहीं करता है। अच्छा, तो दोनों का प्राइस 30-30 रुपए है पर पीस, है ना? 30 रुपए। और बगल में ही देख सकते हैं कि एक चिकन पकौड़ा का भी ऑर्डर आया है, तो अभी उसे इसके अंदर डीप फ्राई किया जाएगा। और चिकन पकौड़ा का क्या रेट होता है? 100 इसका है, 100 पीस रहता है, 100 रुपीज़ में 8 पीस, राइट। अच्छा, सारा कुछ जो है मतलब आप अकेले हैंडल करते हैं, सब कुछ अकेले करते हैं मैनेज? हाँ, बनाना हर आइटम को अकेले बनाते हैं आप? अकेले ही सारा चीज़ करते हैं। ठीक है, बना भी आप देख सकते हैं खुद ही रहे हैं, और पैसा भी खुद ही लेंगे, सारा ऑर्डर भी खुद ही ले रहे हैं, सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आइटम कम है, आइटम भी यहाँ अच्छा खासा है। एक जो है ये डीप फ्रायर में चिकन पकौड़ा बनाया जाएगा, और इसी में ये जो प्रॉन है ये भी फ्राई होने वाला है। इधर जो है हमारा फिश फ्राई हो रहा है, प्रॉन का तैयारी चल रहा है। ये क्या क्या डाले हैं इसमें? इसमें गोल मिर्च है, आपका ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला। अच्छा, और थोड़ा सा हमने नमक डाला। और ये है क्या, मतलब ये ब्रेड क्रम्स है? ब्रेड क्रम्स के साथ में इसको मिला रहे हैं हम, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स आपको तीखापन के लिए। अच्छा, चिकन पकौड़ा हो गया तैयार। प्लेट जो है मैं इस हिसाब से रखता हूँ, आप देख रहे होंगे मैं टिश्यू यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं खुद जब कभी किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ तो बिना टिश्यू का पेपर उससे मतलब साफ किए हुए नहीं होता है, तो मैं किसी कस्टमर को भी बिना साफ कर नहीं दे सकता हूँ। मैंने बहुत अच्छा लगा, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, देखिए पटना, हम लोग लग नहीं रहा कि आज पटना में शूट कर रहे हैं, लग रहा है कहीं पटना के बाहर दिल्ली विल्ली में शूट कर रहे हैं, वहाँ वाला सारा जो चीज़ है वो देखने को मिल रहा है यहाँ। बट रेट जो है वो पटना का ही है आपका। नेक्स्ट जो प्रॉन्स है वो जाने वाला है, वो जो मिक्सचर तैयार किया गया था उसमें। ये एक प्लेट का हो गया ना? हाँ। और जो भी लाते हैं मतलब रोज फ्रेश आता है सब कुछ? रोज फ्रेश आता है, कुछ भी रिपीट नहीं होता है? नहीं। ये जो प्रॉन्स था वो गया डीप फ्रायर में। और इधर देख सकते हैं कि किसी कस्टमर का ऑर्डर है फुल चिकन का, तो ये भी डिमांड में रहता है, लोग आए हैं ये फुल चिकन को खाने के लिए स्पेशली यहाँ पर। और साथ में आप देख सकते हैं कि लेग का भी जो है ये पूरा लाइन लगा हुआ है, इतना सारा लेग भी जो है ऑर्डर में भी है, और ये जो है फुल चिकन को रोस्ट किया जा रहा है। आज हम लोग ये नहीं खाएंगे, नेक्स्ट टाइम कभी आना होगा तो फुल चिकन खाएंगे, क्योंकि एक पूरा मुर्गा अभी खाना पॉसिबल है नहीं, हल्का फुल्का स्नैक्स खाने आज यहाँ है। इनका जो मटन चाप है बनने के बाद कभी भी इसके अंदर पीस आपको दिखेगा ही नहीं, जितना मैरिनेट वो कायदे से करते हैं, एंड अनडाउटेबली ही इज़ द बेस्ट। क्या तंदूरी भी एक्सीलेंट। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है हाइजीन, ही मेंटेन्स अ लेवल ऑफ हाइजीन। और ये पटना के लिए बहुत रेयर सा चीज़ है ये लेवल का हाइजीन। आप कहीं भी पटना सिटी में चले जाइए, आप क्वालिटी फूड बहुत सारे हैं, बट एक रेस्टोरेंट में जाना और एक स्ट्रीट फूड में इतनी हाइजीन फूड मिलना, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। इधर हम लोग बात कर रहे हैं और ये देख सकते हैं कि जो प्रॉन है वो हो चुका है तैयार, ये जो प्रॉन है इसे कर लिया गया है फ्राई, ऊपर से गया चाट मसाला। तो आपका ये मटन चाप का बहुत तारीफ सुन रहा है, तो लग रहा है कि वो खाने के दिन फिर से आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हैं मटन लवर, और मटन
मतलब चाहिए होता है, और इतना अगर तारीफ सुन लिया मटन का तो फिर बिना खाए कंट्रोल होगा नहीं, तो एक बार वापस से आएंगे कभी। अच्छा, इसके मटन चाप में आप क्या लेना पसंद करेंगे, हॉट एंड स्वीट या फिर लोकल भी है? ये क्या है, बना हुआ चटनी? घर वाला, घर वाला, घर वाला। हाँ, सॉस वॉस तो हर जगह मिलता है। बंगाल में जो है वो हर चीज़ में थोड़ा सा मीठापन जो है उनका पसंद होता है, ठीक है, और यहाँ के लोग थोड़ा तीखा पसंद करते हैं। हाँ, यहाँ के लोग थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं, तो तीखा फिर मैं उसमें थोड़ा सा पंजाब का ट्विस्ट देता हूँ। अच्छा, ये जो है चटनी आ गया, ये आ गया थोड़ा सा प्याज, नेक्स्ट आ गया उसके ऊपर ये मिंट चटनी है ना, मिंट फिश भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, फिश भी हो गया फ्राई। हाँ, ये बाटा तो हो चुका है, बाटा हो चुका है, और वो नहीं हुआ अभी, हेड वाला जो है वो नहीं हुआ है थोड़ा सा, और वो कौन सा, रोहू का है ना? वो रेहू का है, इसको भी एक बार देख लें, ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक, हम क्यों फोन करेंगे, आप बोल दिया था, हम पक्का थे, हम तो लेके आए हैं, नहीं नहीं नहीं, हम हमको लगा कि आप आएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से हम उसको करके रखे थे, मतलब लोग एडवांस ऑर्डर करके दे के जाते हैं, राइट राइट, डिमांड अपना बता के जाते हैं। हाँ, आपको क्या खाना था, क्या नहीं मिल पाया? मतलब कौन सा, झींगा का बड़ा वाला, झींगा बड़ा वाला झींगा, हाँ बड़ा वाला झींगा, वो क्या टाइगर प्रॉन, हाँ वो चीज़ नहीं मिल पाया, हम इनको ऑर्डर किए थे, हुए थे ऑर्डर करके बोल के कहते कि रख देने के लिए आपके लिए, मैंने तैयार रखा था, आप नहीं आए, कोई बात नहीं, आज छोटा वाला प्रॉन है वो खा लीजिए आज। तो इधर तो है हमारा सारा स्नैक्स रेडी हो चुका है, नॉनवेज स्नैक्स, ये फिश भी दोनों हो गया फ्राई, अब करते हैं टेस्ट, बताते हैं आपको टेस्ट। तारीफ बहुत सुन ली है और दिल खुश हो गया यहाँ आके, मतलब पटना में बदलाव आ रहा है और ये बदलाव देख के बहुत खुशी होता है, नए नए लोग आ रहे हैं इस बिज़नेस में, फूड बिज़नेस में नए नए तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये प्रॉन देखिए कहाँ मिलता था, मतलब इस तरह से सड़क पर अच्छे क्वालिटी का प्रॉन, दिल से बनाया हुआ प्रॉन, डीप फ्राई किया हुआ प्रॉन कहाँ मिलता था। हमको लगता है कि आज ही मेरे किसी वीडियो पे कोई लाइव चैट में कमेंट किए थे, पूछे थे हमसे कि प्रॉन कहाँ मिलेगा, कोई ऑप्शन आंसर ही नहीं था मेरे पास कहाँ कहीं मिलता है, बट आज लग रहा है कि शायद एक आंसर हमको मिलेगा। सबसे पहले जो है ये प्रॉन को ट्राई करते हैं, ये प्रॉन इतना ज़्यादा फ्रेश है, जा रहा है घुल जा रहा है, ख़त्म, मामला साफ, ये इतने अच्छे से बनाया गया है, बाहर का जो लेयर है ये देखिए, ये जो है ज़रा सा क्रंच आ रहा है, ज़रा सा क्रंच, अंदर का जो चीज़ है वो है रसगुल्ला, इतना सॉफ्ट है, मज़ा आ गया। आमतौर पे हम लोग प्रॉन पे टूट पड़ते हैं बारबेक्यू नेशन में या बूफे वाला जो ऑप्शन का वीडियो बनाते हैं उसमें, बट वो टिक्का होता है, तंदूरी होता है, ये बाहर वाला जो क्रंच है वहाँ नहीं मिलता है, नेक्स्ट लेवल का टेस्ट, बहुत बढ़िया। 100 रुपये का प्रॉन है जिसमें कि 8-10 पीस जो है वो मिला है, A1 टेस्ट, खाइए अंदर घुल जाएगा, ऐसा प्रॉन है ये। अब जो है ये ट्राई करते हैं चिकन पकौड़ा, ये भी काफ़ी जूसी सा लग रहा है, देखिए एकदम सॉफ्ट सा ऐसे, ये कोई इसमें अंदर बोन वोन नहीं है, टोटली बोनलेस सा पकौड़ा, और सिर्फ जो है ये 12-12.5 रुपये के आसपास एक पीस का रेट आपको पड़ रहा है, साइज़ जो है वो आप देख सकते हैं, और सिर्फ 12.5 रुपये में एक पीस जो है ये मिल रहा है, क्या चाहिए और, किया जाए ट्राई, एकदम सॉफ्ट सा। चिकन अंदर का टोटली सॉफ्ट, टोटली जूसी सा, और बाहर का जो लेयर है हल्का सा प्याज, जो कॉर्नफ्लोर यूज किया उसका टेस्ट अच्छा लगा, बट हमको ये प्रॉन बहुत अच्छा लगा, अभी प्रॉन से बटर हमको कुछ लग नहीं पा रहा है, थोड़ा सा लेते हैं ये प्याज और चटनी, प्रॉन खा के मतलब दिल खुश हो गया, प्रॉन भैया बहुत सही था, प्रॉन जो है पटना में कहीं सड़क पर मिलता नहीं है, पहली बार मिला और बहुत अच्छा लगा। ये आ गया हमारा फिश का प्लेट, आज जो है मटन है नहीं, कमेंट कीजिए बताइए मटन देखना है तो फिर से आएंगे, मटन ट्राई करेंगे और जो फुल चिकन है वो ट्राई करेंगे। अभी खाते हैं मछली का मूड़ा, बनाया तो बहुत सही तरीके से गया है, कुछ अलग लगा इसलिए ले लिए हम, चिकन मटन तो खाते रहते हैं, तोड़ फोड़
करने का मेरा मन हो रहा है, बट हम वियर्ड नहीं ज़्यादा लगाना चाहते हैं वीडियो में ज़्यादा तो। आ हा, ये अंदर में सारा मक्खन मलाई है, बाहर का जो है ये तोड़ फोड़ हम लोग की है, सारा जो ये जूस है ये अंदर में, सारा जो इसका क्रीम है वो अंदर में। ये उठाते हैं मीट, ये मूड़ा का जो मीट है ना इसका अपना अलग स्वाद होता है। मलाई वाला पार्ट जो कि है बहुत ही अब जो है ये गुलगुल्ला सा मलाई वाला पार्ट ये खाते हैं। एकदम गरम है, गरम गरम बना के दिया गया है और एकदम ताज़ा मछली, एकदम ताज़ा मछली। मसाला अंदर तक घुसा हुआ है, कोई बहुत अलग मसाला नहीं है, रेशियो बहुत सही है। अब ये जो स्पेशल सफेश है ये ट्राई करते हैं, बीच में एक कट देख सकते हैं आप, कट वट लगा के मैरिनेट किए जैसे कि जो मसाला है वो अंदर तक जाए। ये हम लोग फिश को तोड़े, ये थोड़ा सा चटनी का खाएंगे। हर कुछ का टेस्ट जो है बढ़िया है बंगाली, दिक्कत यही है कि मच्छर बहुत ज़्यादा है, मच्छर बहुत काट रहा है, बाकी सब कुछ जो है बहुत बढ़िया है। तो ख़त्म करते हैं वीडियो, नया तरह का वीडियो लेकर आए आज, एक नया तरह का काट आपको दिखाएं, आज एक नया तरह का चीज़ जो कि पटना में नया नया मिल रहा है वो दिखाएं, उसके बारे में बताएं। कभी भी दिल कर रहा है सड़क पर आके प्रॉन खाने का, इस जगह पर आइए और प्रॉन को ट्राई कीजिए, नंबर वन पर हम रखेंगे प्रॉन को, और उसके बाद बाकी का चीज़ जो है आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा था, बट नंबर वन पर हम रखेंगे प्रॉन को। ख़त्म करते हैं वीडियो, कॉमेंट कीजिए बताइए कैसा लगा, कॉमेंट कीजिए कि मटन देखना है कि नहीं, अगर देखना होगा फिर से आएंगे बनाएंगे दिखाएंगे। ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।